हाय गाइज़, वेलकम बैक। आईफोन 16 में ना हमें ऑडियो मिक्स करके एक बहुत ही स्पेशल फीचर देखने को मिलता है आईफोन 16 लाइनअप में। मैं आपको बताऊंगा कि इस फीचर को आप कैसे यूज़ कर पाओगे। सो ये फीचर दोस्तों कब एक्टिवेट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हर एक टाइम आपका ऑडियो मिक्स करके ये जो फीचर है हर एक टाइम अवेलेबल होगा या नहीं, ये फीचर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, आई शो यू। सो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो ऑडियो मिक्स का फीचर्स है ना, ये माइक्रोफोन्स के रिलेटेड है। एप्पल के आईफोन 16 सीरीज़ में चार माइक्रोफोन्स इंस्टॉल्ड हैं जो कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बढ़िया साउंड करते हैं। जैसे कि मैंने लिटरली अपने टेकी फ्रेंड्स के साथ जो वीडियो कॉल्स की थी, मुझे उन्होंने स्पेशल बताया कि यार तू क्या यूज़ कर रहा है, कोई हेडफोन्स यूज़ कर रहा है कि क्या ऐसी स्पेशल चीज़ यूज़ कर रहा है कि तेरी आवाज़ ज़्यादा बेटर सुनाई दे रही है। सो आई जस्ट टोल्ड देम कि मैंने आईफोन 16 बाय किया और मैं उससे वीडियो कॉल कर रहा हूँ। सो साफ साफ क्लियर है कि ऑफकोर्स आईफोन 16 के जो माइक्रोफोन्स हैं ना वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फोन्स। सो अभी मैं आपको बताऊँगा कि ऑडियो मिक्स का जो फीचर्स है ना वो आपको आईफोन की वीडियोज़ में देखने को मिलेगा। यहाँ पर अपने एडिटिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो, यहाँ आपको सेकेंड नंबर पर जो ऑप्शन देखने को मिलता है ना वो है ऑडियो मिक्स करके। सो दोस्तों ये ऑप्शन काम कैसे करता है कि आईफोन में ना चार माइक्रोफोन्स हैं, राइट, और वो चारों के चारों माइक्रोफोन्स जो है ना वो आपकी ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं। सो जैसे कि मैं आपको एज्यूम करता हूँ कि आप मान लो कि एक माइक्रोफोन यहाँ है, एक माइक्रोफोन इधर है और एक यहाँ ऊपर है और एक यहाँ पीछे है, दैट इज़ यू, राइट। सो आपको जिस भी फ्रेम की, जिस भी माइक्रोफोन की साउंड बेहतर लगती है वो आप चूज़ कर सकते हो। इसमें आपको चार ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, स्टैंडर्ड जो कि नॉर्मल माइक्रोफोन रिकॉर्ड करेगा आपकी ऑडियो को, आई बिलीव वो ये होगा, राइट, और फिर आएगा इन फ्रेम कि जो फ्रेम में बंदा है वो जो बोल रहा है वो आवाज़ रिकॉर्ड होगी। आई बिलीव ये वाला जो माइक्रोफोन है वो इन फ्रेम ऑडियो रिकॉर्डिंग को करेगा रिकॉर्ड कि जो सिर्फ फ्रेम के अंदर, जो कैमरा के अंदर है। और एप्पल का जो ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम है ना वो इन सारे के सारे माइक्रोफोन्स की आवाज़ को मिक्स करके एक बेहतर आउटकम निकाल के देगा। और फिर आप स्टूडियो मोड यूज़ कर सकते हो और आप सिनेमैटिक मोड भी यूज़ कर सकते हो। और आप माइक्रोफोन की इंटेंसिटी को भी एडजस्ट कर सकते हो कि भाई आपको इंक्रीज़ करनी है या डिक्रीज़ करनी है। यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी, सिनेमैटिक इफ़ेक्ट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएगा। और ये जो डॉट आपको देखने को मिल रहा है 50% का, ये दोस्तों एप्पल ने ना अपनी ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से सेट किया है। उसको अगर लगेगा कि इस वीडियो में 60% सिनेमैटिक ऑडियो मिक्स चाहिए, सो वो आपको 60% पर ऑटोमेटिकली सेट करके देगा, राइट। सो यहाँ पर दोस्तों ये फीचर बड़े कमाल का है और ये काम भी बड़ा रियलिस्टिक करता है। जैसे मान लो कि मैं स्टैंडर्ड मोड में हूँ तो मेरे को जो है ना इस वीडियो में सारी की सारी नॉइस सुनाई देगी जो भी एप्पल का आईफोन माइक्रोफोन में रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन उसी तरीके से अगर मैं आ जाता हूँ इन फ्रेम में, सो जो इस फ्रेम में आवाज़ आ रही होगी वो ही सिर्फ सुनाई देगी, इस कैमरा के पीछे जो चल रहा है वो एप्पल कैंसिल कर देगा, राइट। स्टूडियो मोड में जो आपकी आवाज़ है ना वो जैसे स्टूडियोज़ में आती है उस तरीके से आएगी, सिनेमैटिक में सिर्फ उसी बंदे की आवाज़ आएगी और फुली बैकग्राउंड नॉइज़ कैंसिल हो जाएगी। सो ये आपको एक शॉट में अभी लगाऊंगा, आपको क्लियरली डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ओके, सो अभी के लिए मैंने ना आईफोन 16 को ठीक ठाक सी दूरी पर रख दिया है, आप फ्रेम में देख ही सकते हो, और कोई भी माइक्रोफोन कनेक्टेड नहीं है। और ये कमरे में बिल्कुल अपने नॉर्मल रूम्स जैसे होते हैं उसी तरीके से अपने, आई मीन बेड वगैरह है और बाकी कपड़े हैं, जो कि नॉइज़ की, जो वॉइस की एको है ना उसको रिमूव कर देंगे। सो फिर भी थोड़ी बहुत एको आ रही होगी, जो कि हम शिफ्ट करेंगे इन फ्रेम स्टूडियो या सिनेमैटिक ऑप्शंस में तो आपको डिफरेंस देखने को भी मिल रहा होगा। यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ वीडियो में कि ये जो वॉइस है ना वो किस फ्रेम से आ रही है, सिनेमैटिक में या स्टैंडर्ड में या स्टूडियो में है फिर इन फ्रेम मोड में जो वॉइस है वो रिकॉर्ड हो रही है। सो आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो कि आईफोन 16 में जो ऑडियो मिक्स का फीचर है वो एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, वो एक लाइन क्रिएट कर रहा है दूसरे आईफोन से। सो आपको ये कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
सो मेरे को ना गाइस पर्सनली स्टूडियो मोड जो है ना वो सबसे बेहतर लगा कि इसमें मेरे को बैकग्राउंड नॉइज़ ज़ीरो हो जाती है, और चाहे मेरे पास माइक्रोफोन कनेक्टेड है या नहीं है, ये मेरे को ऐसा फील करवा रहा है कि मेरा माइक्रोफोन कनेक्टेड है, क्योंकि बिल्कुल मेरी आवाज़ ही कैप्चर कर रहा है और बैकग्राउंड की जो एको है ना वो बिल्कुल इसने ज़ीरो कर दिया है। हाँ, थोड़ा बहुत 1-2% का फ़र्क रह जाता है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है ना वो क्लीन वॉइस देखने को मिलती है हमें। सो आपने सैम्पल देख ही लिया, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन सा मॉड बेहतर लगा, इन फ्रेम वाला या स्टूडियो या सिनेमैटिक। सो मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर रीड करूंगा, डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। सो ये फीचर आपको कैसा लगा वो भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।